तो टाइट, लेकिन अभी भी नजर नहीं आ रहा कि एक्चुअली वो क्या रहा है। देखते हैं भाई क्या सीन है। हमें लगा कि एक्लिप्स शुरू होगा 11:30 बजे, लेकिन एक्लिप्स तो मैक्सिमम था 10:59 पे होना था। 10:59 को तो मैं सो रहा था और वी हैव आई गेस मिस्ड इट। खैर इतना देखो मतलब काफ़ी था। सेट है। बात अबाउट माय लास्ट वीडियो मेंटल हेल्थ, और उस वीडियो पे दो किस्म के कमेंट्स आए। पहले कमेंट्स रियली नाइस वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो और अमेजिंग वीडियो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। दूसरी टाइप के जो कमेंट्स है वो सबसे पहले मेरे करीबी दोस्त से ऐसी है, उसने उसको ब्लॉग भी देखा हुआ। रीसेट के वीडियो तो सच थी, इट वॉज अ ट्रूथ, बट इट वॉज अ लिटिल बिट हार्श द वे आई कन्वेड माई मैसेज एंड द वे आई टोल्ड इट वॉज अ लिटिल बिट रूड। और ई सेट के अगर कोई बंदा डिप्रेशन या एंगजाइटी के साथ ये वीडियो देख रहा है तो ही वुड फील मोर डिप्रेस्ड और ही वुड फील वीक। और उसके बाद जब मैंने सोचा इस बारे में तो आई केव अप विद द कंक्लूजन कि भाई मैं वीडियो में बताना ही ये चाह रहा हूँ कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली बात है, रूड है, हार्श है, अनफेयर है और गलत है, लेकिन यही लाइफ है। ये और मैं इस वीडियो में बताना ही ये चाह रहा था कि सब कुछ ऐसी होगा एंड यू हैव टू लिव विद इट। खैर स्टिल अगर किसी को वीडियो बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरे को इंटेंशन ऐसे नहीं थे। सही है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट तो एक चीज़ और जो कि मुझे बतानी थी इज अबाउट दिस बुक विच आई गॉट 2 days ago, और अभी तक आई एम 80 पेजेस इनटू दिस बुक। एंड इस बुक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताना चाहता हूँ अबाउट रीडिंग बुक्स। बुक्स स्टार्ट करने से पहले आई यूज टू थिंक हाउ अ बुक कैन चेंज माई माइंड सेट। मैं सोचता था कि ये बुक कैसे बताएगी मुझे कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ। मगर जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो बुक्स आपको वो चीज़ें बताती है जो आपको लगता है कि आपको पता है मगर आपको पता नहीं होती। सिंपल सी एक एग्जाम्पल है, टॉक लेस लिसन मोर। ये चीज़ आपको पता होगी, आपको भी लगता है कि आपको पता है मगर यू डोंट अप्लाई इट बिकॉज यू डोंट नो इट। सिंपल। सो बुक्स टेल यू और force you to apply it in your life and that's how a book changes your mindset. Khair, talking about this book, अभी तक I have read like half of this book और कुछ चीज़ें हैं इस बुक में जिससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ, सी ए। बट वन थिंग विच आई रियली लाइक इन दिस बुक इज अ कोट, कोट सुनाता हूँ। कोट इज पैशन इज अ फॉर्म ओवर फंक्शन, पर्पज इज फंक्शन। ठीक है, दैट्स समथिंग आई रियली लाइक। अगर आप इसको और पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड मोर अबाउट इट और आपको समझ आएगा द रीज़न बिहाइंड इट। सही है, बट स्टिल आई रियली लाइक दिस बुक और इसका प्रॉपर बुक रिव्यू बनाएंगे जब मैं बुक को ख़त्म कर लूँगा, विच विल बी इन द नेक्स्ट 2 या 3 vlogs इंशाल्लाह। खैर दिस वॉज दिस व्लॉग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।